हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है और इनमें डिफरेंस क्या है ये पता नहीं चलता है। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक पार्टीशन करके दिखा रहा हूँ कि रियल नंबर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंटर में, रियल नंबर्स। बड़े ध्यान से देखना, आपको पता है रियल नंबर्स में दो पार्ट्स कर रहा हूँ, रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। अब आप देखो ऐसा क्यों किया, इसका मतलब ये हुआ जो रैशनल नंबर है वो रियल भी होते हैं, जो इरेशनल नंबर है वो रियल भी होते हैं। ये क्या क्या होते हैं अभी पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम नाम से इतना तो क्लियर हो गया ना कि रैशनल और इरेशनल इन दोनों को रियल बोल सकते हो आप, क्योंकि ये रियल नंबर्स ही हैं। जो रियल नहीं होते वो इमेजिनरी होते हैं, और यूजली जहां इमेजिनरी होते हैं वहां की हम बात ही नहीं करते, उसमें एक आई करके एओटा बोलते हैं वो आ जाता है। तो अगर आप एओटा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी और नंबर दुनिया का आप काम कर रहे हो, मतलब वो रियल नंबर की बात कर रहे हो, चाहे कोई भी हो। खास करके ये सेवन्थ एट्थ नाइन्थ तक जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने रियल नंबर्स ही पढ़े हैं, और कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है। अब रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, अब देखो रैशनल में सबसे पहली चीज तो क्या आएगी, रैशनल नंबर क्या होता है अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी वो नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे कि इसमें आ जाएगा एक 2/3, 3/4, 5/4 भी, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ये रैशनल है। रैशनल है तो जी ये रियल भी है, बस ये समझ लीजिएगा ये रियल भी है। इसके अलावा इनको तो लिख लिया फ्रैक्शन में, इसके अलावा डेसिमल नंबर्स भी आ जाए ना, डेसिमल्स, डेसिमल वाले भी रैशनल है, जैसे कि 1.2, 1.35, ये रैशनल ही है, क्योंकि आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे इसमें जैसे 10 लग सकता है, इसे डेसिमल को हटाओगे तो ये 135/100 बन जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म बन सकता है ना। जो पी बाई क्यू फॉर्म बन सकता है वो रैशनल है, ठीक है, जो पी बाई क्यू बन सकता है वो क्या है, रैशनल है। अब डेसिमल में एक चीज और भी आती है, पहले तो इस डेसिमल को पता क्या बोलते हैं, इस डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, मतलब जो डेसिमल के बाद डिवीजन रुक जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, जैसे ये रुक रहा है। अब आप समझोगे सर भी टर्मिनेटिंग बोला तो स्पेशल क्यों इसकी बात की, क्योंकि कुछ डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। मैं ये जैसे डेसिमल के अंदर ही एक तो टर्मिनेटिंग ऑप्शन आ जाती है, डेसिमल के अंदर एक तो ये आ गया टर्मिनेटिंग, दूसरा केस मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की चीजें आती हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग भी बोलते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रैशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसे नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं, नॉन रीअकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पढ़ते हैं क्या होते हैं, मैं यहां पर कर रहा हूं इसके लिए, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं, जैसे कि 0.22
ऐसे चलता जाए, डॉट डॉट डॉट। एक्चुअल में फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डेसिमल के बाद बार लगता है या डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रैशनल भी हैं। क्यों रैशनल है? क्योंकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे रहे हैं, आप उस वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये भी हो सकता है, जैसे 0.23535... मतलब 35 रिपीट कर रहा है बार बार, तो यहां पर बार कैसे लगाते हैं, ऐसे जो रिपीट करता है 35 रिपीट करता है तो 35 के ऊपर बार लगाते हैं। तो आप देखो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो ये सारे क्या है, रैशनल है। जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल है, चाहे नेगेटिव में हो। मैंने पॉजिटिव की एग्जांपल दी है, नेगेटिव वाला भी हो तो भी रैशनल है। तो इरैशनल में कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में मतलब जैसे यहां डेसिमल के बाद रिपीट करने लग गए थे ना कुछ वैल्यूज, वहां रिपीट नहीं होंगे, बस चलता जाएगा, चलता जाएगा। कैसे? ये देखो, 0. जैसे 01001001.... अब आप देखो, खत्म भी नहीं होगा, पैटर्न भी ऐसा बन गया, पहले एक जीरो के बाद वन आता है, दो जीरोज के बाद वन आता है, तीन जीरोज के बाद वन आता है, मतलब रेपिटेशन है ही नहीं, आप कहीं बार नहीं लगा सकते, सेम चीज रिपीट ही नहीं हो रही, नंबर ऑफ जीरोज बढ़ रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का केस है। सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, ऐसे 0.02002002 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हम रूटीन में देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल नंबर्स, वो होते हैं स्क्वायर रूट वाले। जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सारे क्या हैं? इरेशनल हैं। लेकिन जो इरेशनल होते हैं वो रियल भी होते हैं, ये नोट कर लीजिए। जब रियल बोल दिया तो उसमें चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, सारे ही उसी का पार्ट है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, मैं यहां एक लास्ट लिख रहा हूं बीच में, बताओ √9 रैशनल है या इरेशनल है। कई लोग इसको इरेशनल लिख देते हैं कि ये तो स्क्वायर रूट में है, लेकिन नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। 3 क्या होता है? 3 तो रैशनल है, 3 तो इस हिस्से में आता है ना। तो ये बस पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर जैसे यहां 9 है, 16 होता, 25 होता, तो वो इरेशनल नहीं रहते। क्यों? वो सॉल्व करके नॉर्मल रैशनल नंबर बन जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है। तो ये क्या रहता है? रैशनल रहता है। आई होप आपको रैशनल इरेशनल इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। और बहुत सी चीजें नंबर सिस्टम में, जिसमें हमारे सेपरेट वीडियोस हैं अवेलेबल, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या होता है, फिर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है और ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।